कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी कंपनी को सुधारना चाहिए, अपनी संगति को सुधारना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है, वैसे फल आते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का बीज होता है उतने अच्छी क्वालिटी के फल आते हैं, लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं होता। जो मिट्टी होती है, जो उस जगह का वातावरण होता है, वो भी उस खेती के लिए बहुत आवश्यक होता है। 100 पेड़ नीम के हों और बीच में एक नींबू का लगाना, उनकी जड़ें अगर मिल गई आपस में तो स्वाद बदल जाता है। आजकल क्रॉस ब्रीड का सिस्टम आ गया है, वृक्षों में भी क्रॉस ब्रीड हो रही है, अंतर आ जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में अपनी कंपनी, अपनी जो संगति है, उसका बहुत अंतर आता है। ऊंचा उठना है तो ऊंची संगति रखना पड़ेगी, और नीचे ही रहना है तो नीची संगति रखना पड़ेगी। ऊंचा उठना है तो संगति तो ऊंची करना ही पड़ेगी। जिसको जितना सुदृढ़ महल चाहिए हो, जितना मजबूत महल चाहिए हो, उतनी बड़ी, उतनी गहरी, उतनी मजबूत नींव भरी जाती है। तो अपने जीवन के लिए जितनी आपको ऊंचाइयां पाना है, उसके लिए आपको उतनी अच्छी संगति रखना पड़ेगी। गुड कंपनी, बिग थिंकिंग, इन दो पर आज अपन चर्चा करेंगे। पहली बिग थिंकिंग, दूसरा गुड कंपनी। बिग थिंकिंग एंड गुड कंपनी गिव्स यू बिग एंड गुड फ्यूचर, गिव्स यू बिग हाइट्स। आपको जितनी ऊंचाइयां चाहिए हैं, इन दो चीजों को अपने पास रखना, एक बिग थिंकिंग, एक गुड कंपनी। अच्छी संगति रहेगी ना, आपको अच्छी ऊंचाइयां मिलेंगी। कितना ही महंगा, कितना ही सुंदर बीज क्यों ना हो, बंजर भूमि में डाल दिया जाए, जिस भूमि में मिट्टी हो, केवल पत्थर हो, वहां बीज थोड़ा ना उगेगा। ऐसे ही अपने साथ है, अपन कितनी अच्छे हों, अगर आपके साथ वाला, साथ का वातावरण अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं रह पाएंगे। कितना ही सोच ले, कितनी प्रयास कर ले, अच्छे नहीं रह पाएंगे। रावण के साथ जो थे वो अच्छे नहीं थे, अगर अच्छे होते तो राम के ही जैसे रावण होता, उसकी कसाई की पुष्टि करने वाले, उसके ईगो को आगे बढ़ाने वाले, उसके मान की पुष्टि करने वाले थे। तो रावण दशानन से रावण हो गया, और राम के साथ जो थे वो अच्छे लोग थे, तो राम राम से श्री राम हो गए। अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ अच्छे लोग थे, तो पांडव धर्मराज युधिष्ठिर हो गए। और दुर्योधन के साथ, दुशासन जैसे अच्छे लोग नहीं थे, तो दुर्योधन भी शुद्धोधन से दुर्योधन हो गया। जिसको आप सूपनखा कहते हो, उसका नाम चंद्रनखा था। उस चंद्रनखा के साथ भी अच्छे लोग नहीं थे, तो चंद्रनखा से सूपनखा हो गई। अच्छे लोग रहेंगे तो इतिहास भी आपका अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने भजिया तो खाए होंगे, आपके यहाँ गुजरात में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भजिया कहते हैं। वो भजिया आप लोगों ने जरूर खाए होंगे, लेकिन जब भजिया उस तेल में डाला जाता है तो ठंडे तेल में नहीं डाला जाता, एक स्टेप तेज गरम तेल चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए, तो कुछ ना कुछ वैसा एटमॉस्फियर, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां चाहिए। आज की नीति यही कह रही है कि आपके साथ और आपके पास जैसे लोग हैं, आपके साथ और आपके आसपास जैसे लोग हैं, आपका कल भी वैसा ही रहेगा। आपके बच्चे अगर गुरुओं के पास रहते हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छे धर्मात्मा दोस्तों के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ घुल मिल के रहते हैं, बिगड़ते नहीं। और जैसे ही आपके बच्चे माता पिता से दूर होकर के बाहर पढ़ने गए, और जहां संगति बिगड़ी, कल भी वैसा ही हो गया। एक बात ध्यान रखना कि अगर शेर जैसा बनना है तो बकरियों के साथ रहना छोड़ना पड़ेगा। अगर शेर जैसा बनना है, अगर आपको शेर जैसा बनना है तो बकरियों के साथ रहना छोड़ना पड़ेगा। आपको चील जैसा उड़ना है तो तितलियों के साथ उड़ना बंद करना पड़ेगा। आपको नदी जैसा बहना है, मीठा होना है, तो तालाब जैसे एक जगह रुकना नहीं पड़ेगा।
आप चाहते हो कि हिमालय जैसे ऊंचे हो जाओ, तो छोटी मोटी आंधियों की चोट से टूटना नहीं पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। शेर जैसा ऊंचा बनना है, ऊंचा उठना है, तो बकरियों के जैसे जो मैमे करते हैं उनके साथ नहीं रहना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ रहना पड़ेगा। हर साल पानी गिरता है, हर साल तूफान आते हैं, हर साल आंधी आती है, तो क्या किसान बीज बोना बंद कर देता है? नहीं, आंधी आएगी आने दो, तूफान आएगा आने दो, वो अपना काम करता है पूरे जोश के साथ, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर भी जोश जुनून होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए संगति सुधारना पड़ेगी। जो तितलियों की जैसे छोटी उड़ान लेते हैं, ऐसे लोगों से दूर हटना पड़ेगा। जिसको आसमां बनना है उसको परिंदा बनने की चाह नहीं होती, जिसको आसमान बनना है वो आसमान बनता है। परिंदों की जैसे पर लगा के उड़ना ना सीखे, आसमान बनना हो तो बड़ा सोच रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट, 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बात है, एक दिन के 200 रुपए कमाता था। आज से 40 साल पहले एक दिन के वो 200 रुपए कमाता था और 180 रुपए की चाय पीने ताज में जाता था। जब उसे किसी ने पीछे पूछा, उसके मित्र ने, कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई देखा ही नहीं, 200 कमाते हो और 180 की चाय पीने जाते हो, आज से 30-40 साल पहले। तो उसने एक बात बोली कि बोले अगर मैं 200 कमा के 5 रुपए की, 2 रुपए की चाय पीऊंगा तो वहां जो लोग खड़े हैं ना वो 2 रुपए वाला आइडिया देंगे, लेकिन मैं वो चाय पीता हूं 180 वाला, 180 की चाय पीता हूं तो मुझे 180 रुपए वाला आइडिया मिलता है। और वो व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा आदमी बना, धीरूभाई अंबानी। गुजराती व्यक्ति से सीखो संगति सुधारना। वो देखता है कि कहां काम का है कहां नहीं है, काम का नहीं हो तो रिश्तेदार के यहां से भी चला जाता है, और काम का हो तो शत्रु के यहां भी बैठ जाता है। चीज काम की हो तो 500 की भी वो 5 लाख में ले लेता है, और काम की ना हो 5 लाख की चीज भी 2 रुपए में नहीं लेता। ये इकोनॉमिस्ट है, यही अर्थशास्त्र है, यही आपके जीवन के उत्थान की व्यवस्था है। अपन इस पद्धति को समझें, काम के व्यक्ति को और अच्छे व्यक्ति को अपने पास रखें, काम का व्यक्ति ना हो, काम की चीज ना हो, उससे दूर हो जाएं। लेकिन एक भारतीयों के अंदर एक गुण है, एक उनके जीन्स में है, चीजें जोड़ के रखने का। घर पे अगर काम हुआ हो, टाइल्स लगे हो, मार्बल लगा हो, तो धीरे से उसके टुकड़े बचेंगे, उसको ऊपर छत पे संभाल के रखेगा, और उसके जाने के बाद फेंक दिए जाएंगे। घर में फर्नीचर काम हुआ हो, जो प्लाईवुड के टुकड़े पड़े होंगे, बचे होंगे, वो संभाल के रखेगा, क्यों पता नहीं। काम की चीज रखो, काम की चीज जोड़ो, दिमाग भी चलेगा। और बिना काम की चीज, बिना काम के लोगों को जोड़ोगे तो दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। जो बच्चे स्टडीज करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अगर अपने स्टडीज को अगर जोर देना हो, उनको कम समय में ज्यादा पढ़ना हो, तो उनकी टेबल पर उनको वही रखना चाहिए जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। यहाँ आप 10-12 बुक रख लो, यहाँ 2-3 बुक रख लो, यहाँ कॉफी का कप रख लो, सामने फोन रख लो, नहीं हो पाएगी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई की टेबल पर बच्चों को जिनको पढ़ना है, उनकी पढ़ाई की टेबल पर केवल उनकी बुक हो, और एक पीछे कोड लिखा हो सामने दीवार पर जो उसका लक्ष्य हो, बस कुछ ना हो, फिर देखना फोकस रहता है, फोकस रहता है। अगर आप 6 काम एक साथ करोगे तो आपका कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। एक काम को आप फोकस से करोगे तो वो काम बहुत बड़ा होगा, और आप छोटे छोटे काम लेते जाओगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। 10 फीट का कुआं खोदा, पानी आ गया। 15 फीट का कुआं खोदा, उसमें पानी आ गया, अच्छी बात है। तो ऐसे 5 कुएं मत खोदो, ऐसा एक कुआं खोदो जो 100 फीट गहरा हो, ताकि पानी लंबे समय तक आपके पास रहे। कलम स्वाध्याय के लिए जहां बैठे थे, वहां एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था, बड़ा पेड़ था और गिरा था। मैंने सोचा ये गिरा क्यों है, जब ध्यान से देखा तो उस पेड़ की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं थी, पेड़ होगा लगभग 30 फीट का, 25 फीट का, और उसकी जड़ें होंगी 5 फीट की, 4 फीट की, तो वो गिर गया। अगर उसकी जड़ें 10 फीट की होती तो गिरता नहीं। कभी भी आप लोगों ने गौर किया, आप अगर किसान हो आप, तो आपको समझ में आएगा
बीज जब पेड़ के, जब बीज जमीन के अंदर जाता है तो पहले ऊपर नहीं आता, पहले वो नीचे जाता है और नीचे जाकर के पहले जड़ें मजबूत करता है और फिर वो ऊपर आता है, ताकि कोई व्यक्ति पैर भी रख दे तो भले वो दुबला पतला सा नाजुक सा पौधा हो लेकिन मरेगा नहीं अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसी आपकी अगर संगति की जड़ें मजबूत हैं तो कभी आप मरोगे नहीं, मरने के बाद भी जीवित रहोगे। महात्मा गांधी नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी है, महावीर स्वामी नहीं है, राम नहीं है फिर उनका नाम आज भी है। क्यों? क्योंकि उनकी संगति अच्छी थी, उनके विचारों की संगति भी अच्छी थी। आज का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है, आज की परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। फोन जो आप लोग चलाते हो उसमें आपकी संगति बहुत बिगड़ गई है। कैसी बिगड़ गई है? धार्मिक क्रिया देखना प्रारंभ करते हो और अधार्मिकता में आखिरी में आते आते लीन हो जाते हो। देखना चालू करते हो आप भजन लेकिन कहीं और पहुंच जाते हो। ये संगति बदल गई, और जैसी संगति बदली सब कुछ बदल गया। कहते हैं कहावत है कि सोने पर सुहागा। क्यों कहते हैं? कि अगर सोने में सुहागा, जब सोना तपाया जाता है उसमें सुहागा डाल दी जाए तो उसमें चमक आ जाती है। अगर आप चमक चाहते हैं तो सोने में सुहागा चाहिए। आपके जीवन की आप चमक चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चमक चाहते हैं तो संगति का सुहागा बहुत जरूरी है। एक शेरनी ने गर्भवती थी और उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर छलांग लगाई, उतने में उसके बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन वो बचा नहीं पाई क्योंकि पहाड़ से उसका बच्चा नीचे गिरता गया। तुरंत का जन्मा वो शेर का बच्चा नीचे जाकर के भेड़ों के समूह में मिल गया और उन्हीं भेड़ों के साथ रहने लगा, अपने उनको ही अपना भाई बंधु मानने लगा। कुछ दिन बाद वो भी भेड़ बकरियों की तरह घास खाने लगा और घूमने लगा। एक जंगल में व्यक्ति ने देखा कि ये क्या है, वो समझ गया कि भेड़ों के साथ रहने से शेर भी भेड़ बकरी बन चुका है। जंगल में एक दिन एक शेर ने उस शेर को देखा, वो बड़ा हो गया था। उसने सोचा भेड़ बकरियों के बीच में क्यों? उस शेर ने उस पहाड़ से दहाड़ लगाई उसको देख करके, और उसने भी इस जमीन से उसको दहाड़ लगाई। जब दोनों दहाड़ लगाई, पूरी बकरियां, पूरी भेड़ और भेड़ चराने वाले सब भाग गए। शेर का बच्चा तालाब में जाके देखता है, ओहो मैं बकरी नहीं हूं, मैं तो शेर हूं। जब तक वो बकरियों के साथ था, संगति में था, खुद को बकरी मान बैठा था, और जब वो शेर की संगति में आया तो उस दिन से वो शेर हो गया। आप लोग भी शेर की तरह हो लेकिन बकरियों के साथ रह करके, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो दुनिया की एक तरफा चाल में चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे के आप भी वैसे हो गए। अपने आप को बदलो, आपके अंदर भगवान बनने की भी शक्ति है, लेकिन कभी आपने उस संगति को, सोच को प्राप्त नहीं किया कि आप भगवान बन सकते हो। आप कहते ही बस हो कि हम भगवान हैं, हूं परमात्मा छू, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं कि उस प्रक्रिया को हम क्रियान्वित कैसे करें। इसलिए अपनी संगति को सुधारना बहुत आवश्यक है। गुड थिंकिंग एंड गुड कंपनी गिव्स यू बिग हाइट्स इन लाइफ। ऊंचाइयां चाहिए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप भी दौड़ना जानते हो, एक और व्यक्ति भी दौड़ना जानता है, लेकिन दोनों की दौड़ में अंतर है। वो दौड़ता है गोल्ड मेडल मिलता है और आप दौड़ते हो कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने कुछ तो हटके किया है। वो दौड़ा ऐसे लोगों के साथ है, वो दौड़ा ऐसे लोगों के साथ है कि जहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने बचपन में एक बात सीखी थी, उसको आज आपको बताता हूं, और अगर आप ये सीख गए, ये बात अगर आप आज सीख गए तो 55 साल का अनुभव आपको एक लाइन में मिलेगा। कि लोग छोटे काम करना, डरपोक वाले काम करना पसंद करते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए। बड़ी सोच रखोगे तो वो नुकसान कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर
शेर की रेस में दौड़ोगे तो हार के भी शेर कहलाओगे, और चूहे की रेस में दौड़ोगे तो जीत कर भी चूहा कहलाओगे। संगति के अंदर आ गया, एक रेस चूहों की है, दौड़े हो तो चूहा कहलाओ जीत के भी, एक रेस शेरों की है, हारे भी हो तो हार के भी शेर कहलाए हो, और जीते तो बब्बर शेर हो ही। तो हमें किसकी संगति करना है? अपने से ऊंचे वाले की संगति करना है। इसलिए कहते हैं कि जो लोग ऊंचे पद या फिर ऊंचाइयों को छूने की चाह रखते हैं, जो लोग ऊंचे पद या ऊंचाइयों को छूने की चाह रखते हैं, उन लोगों को ऊंची सोच वालों के साथ ही रहना चाहिए। ऊंची सोच वालों के साथ रहोगे आप निश्चित मानना बहुत ऊंचे व्यक्ति बन जाओगे। जो डरता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ता, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसको हर कदम के बाद डर लगता है। बचपन के दिन याद होंगे आपको, अपने नहीं तो दूसरे के तो होंगे, छोटे बच्चों के आप उंगली पकड़ के चलाते हो, डरते हैं गिर ना जाए गिर ना जाए। लेकिन वही बच्चा दौड़ता उड़ता भी है। कब दौड़ता है? जब वो बड़ों की संगति में आता है। तो अपने से ऊंचों की संगति करें, जिनका ज्ञान चारित्र चित्त अपन से अच्छा है, उनकी संगति में जाना प्रारंभ करें। अगर आपने ये प्रारंभ कर दिया, सच मानना आपसे ऊंचा व्यक्ति कोई नहीं होगा। दुनिया के जितने लोग ऊंचे बने हैं वो ऊंची सोच स्वयं की रखी उन्होंने, अथवा ऊंची सोच वालों के साथ रहे तो ही ऊंचे बने। गरीब को आप मर्सिडीज के शोरूम भेजना तो वो ऑटो खरीद के लाएगा, उसकी सोच बड़ी नहीं है ना कि ऑटो खरीद लो या 300 रुपये चलेंगे दिन का कमाएंगे। उसको मर्सिडीज मिलेगी तो भी वो ऑटो ही लेगा। जिसकी जमीन में चंदन के वृक्ष लगे हों और उसको चावल की इच्छा हो तो चंदन के पेड़ भी काट देता है, क्यों? उसको तो चावल दिख रहे हैं। अरे साल भर की चावल की खेती और एक चंदन की लकड़ी, बराबर फायदा होता है। लेकिन संगति की होगी तो ही तो बुद्धि बढ़ेगी ना। इसलिए ऊंचे लोगों की संगति करें। यहां ध्यान रखना कि आपके अंदर जो है वो बाहर तब आएगा जब आपकी संगति अच्छी होगी। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको हाइट्स चाहिए है तो गुड कंपनी, गुड थिंक, गुड लक, गुड वर्क, इन चार पर काम करना पड़ेगा। गुड थिंकिंग, गुड कंपनी, गुड लक और गुड वर्क, इन चार पर जिसने काम किया है उसके जाने के बाद भी दुनिया ने उसको याद किया है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज में सफल नहीं हुआ हूं, उसी पे काम करो। कोई आपके जीवन की कमी है उस पर ही काम करो, क्योंकि बाकी सब तो अच्छा है, बस एक ही कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपको उस कमी पे काम करना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी ये नहीं देखता कि किस शॉट में मैंने छक्का मारा है चौका मारा है, अच्छा खिलाड़ी ये देखता है किस शॉट पर मैं बीट हुआ हूं, उसकी प्रैक्टिस करता है कि मुझसे स्पिन अच्छी नहीं बनती कि फास्ट। तारीफ तो दुनिया करेगी, लेकिन अगर ऊंचा उठना है, तारीफ के काबिल बनना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं चूका कहाँ कहाँ। अपनी चूक पर, अपनी गलतियों पर ध्यान दें, ऊंची सोच, ऊंचे लोगों के साथ रहें। निश्चित मानना एक दिन लोग आपको अपना आदर्श बनाएंगे। शेर जैसा बनना हो तो बकरियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, और चील जैसा ऊंचा उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ऊंचाइयां छूना है तो जमीन को छोड़ करके पंछी उड़ता है। ऐसी अगर ऊंचाइयां आपको चाहिए हैं तो छलांग मारना भी सीखें। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।